हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कि आपका आईडी परमानेंट बयान होता है कि नहीं होता है, कि इस तरीके से पता कर सकते हैं, सारा डिटेल मैं आज का वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप पता नहीं कर सकते हैं कि आपका आईडी परमानेंट बयान होता है कि नहीं होता है। आप परमानेंट बयान नहीं होता है तो आप बहुत परेशान होते हैं कि मेरा आईडी परमानेंट बयान होता है और आप आईडी बना देते हैं, लेकिन आपका आईडी टेम्पोरली बयान होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं और आप कर सकती है कि आपका आईडी परमानेंट बयान होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपका आईडी परमानेंटली बैन होता है तो आपका आईडी नहीं पाओगे और आपका आईडी बना सके, और आपका आईडी बैन होता है तो आपके मोबाइल टाइम शो हो जाएगा। बिना आपका आईडी परमानेंटली बैन होता है तो आपका आईडी और शो नहीं होता है। आपका फ्रेंड को फोन कर देना होगा और बोलना कि मेरा फ्रेंड मेरा आईडी इंस्पेक्ट करके देख देना, जिससे इंस्पेक्ट करेगा तो आपका आईडी शो नहीं होता है तो फ्रेंड में तो आपका आईडी परमानेंटली बैन होता है, और शो होता है तो आपका आईडी परमानेंटली बैन नहीं होता है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका आईडी परमानेंटली बैन होता है कि नहीं होता है। यदि टेंपरेरी बैन होता है तो जल्दी रिटर्न हो जाएगा आपका आईडी, और परमानेंटली बैन होता है तो आपका आईडी रिटर्न नहीं होगा, पता चल जाएगा। आई होप आपको पसंद आ चुकी है वीडियो, पसंद आ चुके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो फटाफट एंड करती है।